हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे ऑर्गेनाइजर। तो हम बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिनको हम कूड़े में डाल देते हैं, तो आज हम उनको यूज़ करके बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज बना के तैयार करेंगे। तो उनसे हम बहुत ही अच्छे से उनको यूज़ करके अपने घर को सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है और ये बॉक्स ना बहुत ही प्रीटी सा बॉक्स है, और मैंने इसको ये कागज का पेपर लगा के मैंने इसको कवर कर दिया, और ये और ज़्यादा इसमें चार चांद लग गए हैं। इस डब्बे में हम अपना मल्टीपर्पज कुछ भी सामान रख सकते हैं। मैंने इसमें रखी हुई है मैगी, बिस्किट्स वगैरह, जैसे बच्चों के होते हैं छोटे छोटे से सामान, क्योंकि बिखरे पड़े रहते हैं। उससे अच्छा है कि ये बहुत ही अच्छा ही ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हुआ है, और इससे हम हैंग अच्छे से हैंग कर सकते हैं। हैंगिंग वाला है, कहीं पर भी इसे हैंग कर सकते हैं या हम इसे कहीं पर भी अच्छे से रख सकते हैं। बहुत ही इसका लुक जो है बहुत ही सुंदर है, हाउस शेप में इसका लुक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रीटी सा मुझे ये लगा था। तो मैंने ये नहीं फेंका है, मैंने ये कवर करके रख दिया है। बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार हुआ है। तो ऐसे ही कई तरीके के जो ऑर्गेनाइजर होते हैं हम उन्हें घर पे ही बना सकते हैं। मार्केट से बहुत महंगे महंगे हमें मिलते हैं, तो हम इन्हें घर पे बना सकते हैं। दूसरा जो है कि ये जो फॉइल पेपर हम लाते हैं, फॉइल पेपर का जो बाहर का कवर होता है ना, इसे हम फेंक देते हैं। तो इसी तरीके के हम मार्केट से भी हम इसी तरीके के बॉक्स लेके आते हैं, जैसे हम छोटे छोटे सामान रखने के लिए जो हम बिखरे पड़े रहते हैं, छोटे छोटे डब्बे रहते हैं, तो उनको हम एक में ही सबको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हुआ है। तो हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं, हम इसे मैंने इसे कवर अभी नहीं किया हुआ है। तो जैसे छोटे छोटे से डब्बे रहते हैं, जो छोटा छोटा सामान रहता है, किचन में तो ऐसा रहता ना कि कितने भी डब्बे हों वो डब्बे कम ही पड़ने हैं, वही वाला हिसाब होता है। तो इसमें इस तरीके से हम ये सामान रख सकते हैं, और इसे कहीं पे भी हम इसे रख सकते हैं। यहाँ मैंने इसे कवर कर लिया है कागज का पेपर लगा के, तो अब इसमें बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, तो कहीं पे भी हम इसे रख सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं इस तरीके के। तो इसमें हम कुछ भी सामान रख सकते हैं, मैंने तो डब्बे रखे हुए, आप कुछ भी रख सकते हैं सामान इसमें। और नेक्स्ट हम बनाएंगे जी ये छोटी छोटी जो हमारी बॉटल आती हैं, जो फ्रूटी वगैरह की बॉटल होती है, इनको भी हम कूड़ा समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही यूज की होती हैं। तो जो ऊपर का हिस्सा है कैप वाला, वो भी मैंने कट कर दिया है इसमें से, और नीचे वाला हिस्सा भी कट कर दिया है। और ये जो रुअबजा वाली बॉटल आती है ना, वही बॉटल है ये इसका भी मैं ऊपर का हिस्सा इसका कट कर दूंगी, और नीचे वाला हिस्सा भी काट दूंगी। जो बीच वाला हिस्सा है ना, वो हमको चाहिए होता है। सारी बोतलों के मैंने ऊपर नीचे के हिस्से कट कर दिए, और जो बीच वाला हिस्सा है वो भी मैंने कट कर दिया। और यहाँ पे देखना, मैंने प्लांट में लगाया हुआ है, इसके प्लांट में इसको लगा के ना, जो इसके पत्ते होते हैं प्लांट के, नीचे नहीं बिखरते और वो पीले नहीं होते, बहुत ही सुंदर प्रीटी सा ये लगता है, बिखरा हुआ नहीं रहता, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे वाले में मैं लगा रही हूँ, इसको हमने बीच में से ओपन करना है, जो हमने बीच में से कट कर रखा है, इसको बीच में से ओपन करके हम इसको इसके अंदर टक कर देंगे, इसमें फंसा लेंगे सारे जो बीज का जो इसका तने वाला हिस्सा होता है। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वो ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होता है ये भी। और ये तीसरा वाला जो है मनी प्लांट, जो नीचे को बिखर जाते हैं, इसकी जो बेलें होती हैं उसको हम इसमें बांध के रख सकते हैं, हमें बीज में डोरी लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट है कि ये जो हमारे पास ये कागज के जो बॉक्सेस आते हैं, इन्हें भी हम फेंक देते हैं। तो ये मल्टीपर्पज के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इसमें सामान बहुत ही अच्छे से सेफ रहता है। तो ये मेरे पास डब्बा है, जो मंदिर का जो धूप वगैरह माचिस वगैरह रहती है उसको मैं इसमें रख दूंगी, और हम इसे बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं। जब ये इकट्ठा हो जाएगा, भर जाएगा, तो हम इसे जला के तुलसी माता का जो पौधा होता है उसमें हम इसे डालेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी खाद बन के तैयार होता है। नेक्स्ट है कि जो ये जो केक आता है, केक के नीचे जो बॉक्स आते हैं, आजकल गत्ते वाले नहीं, आजकल ये इसमें बोर्ड वाले बॉक्स आने लगे हैं, लकड़ी का बोर्ड है, और इसको ये ना बहुत ही अच्छा है। इसमें चॉपर, हम इसको एज अ चॉपर हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको हम चकला की तरह और बेलने के लिए यूज कर सकते हैं, या जैसे हम किसी की कैप के लिए भी हम ढक्कन वगैरह इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर है ये भी। नेक्स्ट है जो हमारे इस तरीके के जो बॉक्स आते हैं ना, डब्बे, बहुत ही प्रीटी सा, बहुत ही सुंदर सा ये डब्बा है। तो मैंने तो ये नहीं फेंका हुआ है, मेरे पास टैंक पड़ा हुआ था जो खुला रहता है, फिर ये खराब होने का इसमें डर रहता है, तो मैं इसे इसमें भर के रख दूंगी। और इसको हम फ्रीज में रखें या बाहर रखें, कहीं भी जहां मर्जी रखना हो रख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा रहता है ये, बहुत ही यूजफुल है और बहुत ज्यादा सुंदर भी लगते हैं। और ये जो इसका इसकी जो कैप है बहुत ही टाइट थी, बिल्कुल भी लूज नहीं है ये। इस तरीके के कई चीज के डब्बे आते हैं, तो हम उन्हें मल्टीपर्पज हम उसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ये पीटी सा बन गया था, बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने तो ये तैयार कर लिया है। नेक्स्ट है हमारी
ये बॉक्स जो बॉक्स आते हैं यही मैंने बॉक्स में रखे हुए, जो मंदिर की अगरबत्तियां होती हैं, जो धूप आती है वो धूप पैकेट में आती है, तो हम इसको इसमें भर के रख सकते हैं। तो ये अगर ये हमारा बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, तो हम इसको थ्रो आउट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा कभी डब्बा आएगा तो हम उसको इसमें भर के रख सकते हैं। इसको आप कवर करके भी सुंदर बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये छोटे छोटे से जो यूज के सामान होते हैं ना, तो ये कूड़े में डालने से पहले हम इन्हें अपना अगर यूज कर ले तो बहुत ही अच्छे ये ऑर्गेनाइज और घर से इनसे बहुत सुंदर दिखता है। और तीसरी जो है कि ये जो डब्बे आते हैं मिठाई के, ये बहुत ही जो सुंदर होते हैं ना, मेरा मन तो इनको बिल्कुल भी फेंकने का नहीं करता है, तो मैं तो इनको घर में मल्टीपर्पज के लिए यूज कर लेती हूँ। तो ये नेक्स्ट ये डब्बा जो मेरे पास पड़ा हुआ है इसको भी हम यूज करेंगे। तो ये डब्बा है, इसको मैं नीचे से भी इसका जो कैप है, ढक्कन है, इसको भी मैं इसी में ही लगा दिया और ये उससे और ज्यादा सुंदर हो गया। इसके अंदर मैं लगा दूंगी लाइनिंग और ये लाइनिंग लगाने के बाद जो भी अगर कूड़ा होगा ना तो वो इसमें रह जाएगा और नीचे गत्ता खराब होने का भी डर नहीं रहेगा। और ये मैंने इसमें ये जो ऑयल वगैरह की जो बोतलें होती है, नीचे जो हमारी सेल्फ होती है वो खराब हो जाती है, तो इससे ये काफी ज्यादा सेफ रहता है। और दूसरा रहता नहीं, एक एक सामान हटाना है और नीचे सफाई करनी है, उससे अच्छा है कि एक सामान को हटाओ और सारा नीचे एक बार में सारी सेल्फ अच्छे से हम साफ कर लेते हैं। तो इसे एक एक सामान हटाने के हटा के सफाई करने की जरूरत नहीं होती है हमें। तो ये बहुत ही अच्छा है ये भी, और ये बहुत सुंदर सा भी लग रहा था, बहुत ज्यादा प्रीटी सा, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा बन के तैयार हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आटे वाला जो चोकर आता है उसे भी हम फेंक देते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्क्रब बन के तैयार होता है। इस चोकर में हम शहद मिलाएंगे और इससे अच्छा कुछ स्क्रब हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा ये जैसे चोकर बहुत ज्यादा हेल्दी होता है हमारे लिए, तो उसी तरीके से स्किन में भी काम करता है। तो मैं तो स्क्रब इसी से करती हूँ, तो बहुत ही ज्यादा मुझे ये यूजफुल लगता है। मैं इसे नहीं फेंकती हूँ, मैं इसे डब्बे में भर के रख देती हूँ, जितना मुझे यूज के लिए चाहिए होता है उतना मैं इसे डब्बे में रख देती हूँ। आप इसमें दही डाल के, शहद डाल के, कैसे भी करके स्क्रब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारी ये ऑयल वाली बोतलें होती हैं, ये जो हम मार्केट से स्टील की बोतलें लेके आते हैं, तो इसी तरीके की जो दूसरी वाली जो हमारे पास जो बोतलें आती हैं, ये वाली जो मुझे बोतल मिली है, ये मुझे मिली है ग्लूकॉन डी में, और इसी तरीके से हम इनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल ऑयल रखने के लिए हम बहुत ही अच्छी होती है, हम इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, ये बिल्कुल उसी बॉटल की तरह काम करती हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं और काफी लॉन्ग टाइम ये चलती हैं। तो मैंने तो ये नहीं फेंकी हुई है, मैंने इस एक में सरसों का तेल और एक में रिफाइंड का तेल रखा हुआ है, तो मुझे ये बॉटल बहुत अच्छी लगी है, तो आप भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है जो हमारे पास इस तरीके के कप होते हैं, काफी टाइम से चल रहे होते हैं लेकिन या टूट जाते हैं हैंडल वगैरह, या हम उन्हें नहीं यूज करना चाहते, तो इस तरीके की जो होते हैं इन्हें भी हम यूज कर सकते हैं। तो मेरी जो स्पून्स वगैरह रखी हैं वो सारे एक ही डब्बे में रखी हुई थी, तो जो छोटी छोटी स्पून्स होती है ना वो मिलती नहीं है जो छोटे सामान होते हैं, तो नेक्स्ट जो छोटे छोटे सामान है वो हम इसमें भर के रख देंगे। और इसमें जल्दी से हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आराम से हमें ये मिल भी जाएंगे, और नहीं तो फिर ये यूज नहीं हो पाते। जो छोटे छोटे स्पून होते हैं ना, इसके अंदर रह के इसमें जंग लग जाता है और पता ही नहीं चल पाता। तो जो छोटे वाले हैं तो मैं इनको इसमें रख दूंगी, बहुत ही सब प्रीटी सा लग रहा था, ये बहुत ही अच्छा है, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा था, तो ये मैंने बना के तैयार कर लिया है। नेक्स्ट यही जो कागज के ये बॉक्स आते हैं वही वाला है। तो ये कागज के बॉक्स तो इतने ज्यादा यूजफुल होते हैं ना कि मैं तो इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। इसमें जो हम मल्टीपर्पज अपना यूज कर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे से सामान रहते हैं ना तो वो मिलते नहीं है, हर बार में हमको ढूंढने पड़ते हैं। तो अगर हमको पता है ना कि हमने इसमें रखा हुआ है, बाकायदा हम इसमें ऊपर से नाम लिख सकते हैं कि इसमें हमने ये वाला सामान रखा हुआ है, हम इनको कवर करके रख सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम है अच्छे से तो हम इनको बिल्कुल कवर करके रखेंगे, तो ये बहुत ज्यादा और ज्यादा बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखेंगे। ये इसी तरीके के बॉक्स हैं, मैंने बहुत सारे बॉक्स ऐसे ही यूज में रखे हुए, तो ये बॉक्स इतने अच्छे लगते हैं और सामान बिखरा हुआ नहीं रहता है। हम इनको अलमीरा के अंदर रख सकते हैं, कहीं पे भी हम इनको कवर करके सो के लिए भी रख सकते हैं, तो वहां पे सुंदर भी दिखेंगे और सामान भी ऑर्गेनाइज रहेगा। आप भी बना सकते हैं इनको, आप ही ऐसे ही यूज इनको कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार होता है। नेक्स्ट है ये जो हमारी चॉपर आते हैं जिसमें प्याज व्याज काटते हैं, तो ये चॉपर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो ये जो बॉक्स आते हैं ना, इनके जो डब्बे होते हैं, तो मैं तो इन्हें नहीं फेंकती हूँ, मैं इन्हें सामान रखने, मैंने इसमें मिर्च पाउडर रखा हुआ था, खत्म हो गया मेरा मिर्च पाउडर, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा पीस के इसमें भर दूंगी
और मैं तो इसमें यूज कर रही हूँ इसे, मैंने इसमें अपना कोई सा भी सामान हम इसमें रख सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट है मेरी, मैंने एक बनाया हुआ ये रैक यहाँ पे, तो ये बॉक्स, ये जो वो आता है इसका ये बोर्ड आता है, तो ये बोर्ड से बहुत ही इजीली बन जाता है, हमको जिस भी शेप में बनाना है कटिंग करके, मल्टीपर्पज यूज होता है। आप इसमें कॉस्मेटिक का सामान रख सकते हैं अपना, या मेडिकल मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी इसमें रख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। सामान इसमें सारा ऑर्गेनाइज रहता है तो बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लगता है। और मैंने बाहर से इसमें शीशा लगा रखा है। नेक्स्ट टिप है हमारी, ये जो मेरे पास घड़ी रखी हुई है, तो ये घड़ी ना बाहर से बहुत ज्यादा इसमें डस्ट हो जाती थी, तो जो मैंने ये पेपर, ये जो पेपर आता है जो किचन के लिए आता है, तो यही मैंने पेपर इसमें कवर करके रखा हुआ है घड़ी को, और इसमें बिल्कुल भी डस्ट वगैरह नहीं जाती है, तो बहुत ही, मैंने ये काफी टाइम से लगा के रखा हुआ है, जब भी खराब हो जाता है मैं इसे निकाल के इसमें दूसरा पेपर लगा देती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि हम इस तरीके से हम अपने सामान को सेफ रख सकते हैं इसमें, और ये बिल्कुल भी ये घड़ी खराब नहीं हुई है। और यही दूसरी भी है, ये मेरी बेटी ने बनाई हुई थी पेंटिंग, ये काफी टाइम पहले बनाई हुई थी, यहाँ पे भी मैंने ये यही वाला जो पेपर होता है ये लगा रखा है, और पीछे से मैंने टेप से कवर कर दिया है उसे, तो ये इससे बिल्कुल भी सेफ है और बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी थी, तो मैंने ये इसमें कवर करके इसे रखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। नेक्स्ट है जो ये बॉक्स आते हैं हमारे दिवाली वगैरह पे या बर्थडे वगैरह पे, जैसे कुछ इसमें गिफ्ट मिलते हैं चॉकलेट वगैरह के, ये ज्यादातर होते हैं, तो ये भी सामान रखने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। आप इनमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, मल्टीपर्पज, आप इनमें बच्चों की पेंसिल वगैरह, शॉर्पनर वगैरह, इरेजर वगैरह बिखरे रहते हैं वो रख सकते हैं, तो इससे सामान ऑर्गेनाइज रहता है, बिखरा हुआ नहीं रहता है। मैंने इसमें अपना कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ है, और जब भी मुझे कहीं भी जाना रहता है तो मैं ये डब्बा उठा के चल पड़ती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये, तो इन्हें भी हम यूज में ला सकते हैं, तो जैसे हम इन्हें फेंक देते हैं। और नेक्स्ट है कि ये जो ये बॉक्स आते हैं हमारे पास, जैसे जिसमें कप, इसमें तो मेरे कप आ रखे थे, या शूज वगैरह के भी बॉक्स आते हैं, तो ये कप का था, मैंने इसको अच्छे से कवर करके बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा प्रीटी सा बना दिया है। इसमें मैंने रखे हुए अपने लड्डू के कपड़े, छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, बिखरे नहीं रहते, तो ये मिलते नहीं है, इससे अच्छा है कि सारे जो चोली वगैरह जो भी है, स्कर्ट वगैरह, जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, वो छोटे कपड़े मैंने सारे इसमें रखे हुए हैं, तो इससे ये कहीं गुम नहीं होते हैं, तो बहुत ही अच्छा ये तरीका है। हम इसमें कुछ भी इस बॉक्स को हम मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ भी सामान इसमें हम रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे बेडशीट वगैरह हमारी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, तो इसमें मैंने जो राइस बैग, आटा बैग आते हैं अंदर से, वो वाला बैग लगा के ये छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है। इसमें भी मैंने अपने लड्डू की पगड़ियां रखी हुई हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर होता है, इसमें हम कुछ भी सामान अपना ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हुआ है। मैंने इसमें पगड़ियां रखी हुई हैं, आप ऐसे कुछ भी रख सकते हैं, और इनको बनाना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, बहुत मुश्किल काम नहीं है इसे बनाना। आपको बनाना होगा तो आप वीडियो में यस लिखना, मैं आपको ये सिखाऊंगी, बहुत ही यूजफुल होता है, और किसी भी काम के लिए आप इसको घर में यूज कर सकते हैं। इसमें मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं, इसमें अपना ये कॉस्मेटिक का सामान रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरीके का ये भी मैंने एक बना के रखा हुआ है, इसमें मैंने बेडशीट रखी हुई है अपने लड्डू की, जो छोटी छोटी सी बेडशीट होती है तो वो सारी बिखर जाती है, पिल्लो कवर वगैरह उनके मिलते नहीं है, तो मैं इसमें ही रखती हूँ ये सारी, तो जब भी मुझे बिछानी होती है तो बड़ी इजीली मिल जाती है। इसी तरीके से हम इसमें कोई भी सामान रख सकते हैं, वो कोई भी सामान इसमें ऑर्गेनाइज रहता है, और हम कहता है कि हमने इसमें रखा हुआ है करके। तो जो मैंने वीडियो बनाई है आज, तो मेरा यही मकसद था कि जैसे हम यूज बेकार सामान फेंक देते तो उनको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं घर पे अपने। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।